गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम यहाँ फिर उपस्थित हैं आपके आखिरी यानी कि अभी तक के 10वें असाइनमेंट के साथ। एज अर्लियर वी सेड, हमने आपको पहले भी बताया है कि असाइनमेंट नंबर 11 और 12 आप तक सॉल्यूशन के रूप में नहीं पहुँचाए जा रहे हैं, क्योंकि उनका असाइनमेंट नंबर 11 का सॉल्यूशन असाइनमेंट नंबर 12 में हमने आपको लिखित रूप में यानी कि PDF की शक्ल में आप तक पहुँचा दिया है। इसीलिए हम 10वें असाइनमेंट पर चर्चा कर रहे हैं और इस असाइनमेंट में हमने आपसे पूछा था शब्द अभ्यास के विषय में। अब शब्द अभ्यास, कौन से शब्दों की बात की जा रही है यहाँ पर? यहाँ बात की जा रही है समान तुक वाले शब्दों पर। समान तुक वाले शब्द क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं, उनकी परिभाषा आपको इस असाइनमेंट के अंतर्गत भेजी गई थी। अब इस 10वें असाइनमेंट के अंतर्गत जो कि आपको भेजा गया था हमने 24 मई को, उसमें परिभाषा के साथ में विभिन्न समान तुक वाले शब्दों के उदाहरण इस टेबुलर फॉर्म में यानी तालिका के रूप में दिए थे। अब यहाँ समान तुक वाले शब्दों में हमने बताया था कि ऐसे शब्द जिनका उच्चारण मिलता जुलता हो और उनके शब्दों के प्रयोग से भाषा में रोचकता आती है, सुनने में अच्छे लगते हैं, राइमिंग वर्ड्स होते हैं, तो वो समान तुक वाले शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ आपको दिए गए थे कुछ शब्द और पूछा गया था कि उनके समान तुक वाले शब्द आप अपने मन से लिखिए, और दो प्रश्न दिए गए थे और तीसरा प्रश्न आपको काव्य रचना यानी पोएम राइटिंग का दिया था। तो पहले हम इन दो प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न था समान तुक वाले शब्द लिखिए, जिसे जोकर, जोकर के दो समान तुक वाले शब्द लिखना थे। तो जोकर का हम लिख सकते थे धोकर रोकर। आप नौकर मत लिखिएगा, क्योंकि नौकर में हम औ की मात्रा औ से औरत वाला जो होता है औरत का, इसीलिए यहाँ पर ओ की वाली मात्रा है, इसलिए आप नौकर और धोकर शब्द लिख सकते हैं। फिर है तलना, तलना की जगह आप लिख सकते हो मलना, गलना। फिर दिया है रक्षक, रक्षा करने वाला, तो आप लिख सकते हो भक्षक, भक्षक यानी जो कि नुकसान पहुंचाने वाला। तक्षक, भक्षक, तक्षक। फिर शिक्षा, शिक्षा का लिख सकते हैं दीक्षा, दीक्षा। इस प्रकार आपको शब्दों से मिलते जुलते शब्द समान तुक वाले शब्द लिखने थे। यहाँ आपको उदाहरण दिया गया था और ये शब्द आपको अपने आप लिखने को कहे गए थे। अब अगला जो प्रश्न पूछा था उसमें आपको टेबुलर फॉर्म में ऑलरेडी हमने शब्द दिए थे और कहा था उन शब्दों में से चुनकर ही आपको समान तुक वाले शब्द लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत आप देख सकते हो यहाँ एक बॉक्स दिया हुआ था और उस बॉक्स में से ही आपको शब्द चुनने थे। तो चरण, चरण के लिए हमने शब्द चुना मरण, मरण। नयन के लिए हमने शब्द चुना चयन, चयन। आप टिक करते जाइए पेंसिल से। परम, परम का शब्द हमने चुना करम, करम। उधर का हमने शब्द चुना इधर, इधर, इधर। कसम के लिए शब्द चुना रसम, रसम। ये इसके बाद यहाँ बढ़ते हैं सड़क, सड़क का उन्होंने शब्द दिया हुआ रड़क, रड़क। लहर, लहर, लहर का हमने शब्द लिखा शहर, शहर। फिर शब्द था अगर, अगर का शब्द हमने लिखा मगर। फिर है मटर, मटर का शब्द दिया कटर। अब लास्ट शब्द था गरम, गरम का शब्द लिखा हमने नरम। और ये शब्द हमने कहाँ से चुनकर लिखे? उस बॉक्स में से। तो ये तो आपके लिए सिर्फ चयन करना था, चूज करना था। उम्मीद करते हैं कि आपने ये सारे शब्द सही चूज किए होंगे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया था, आप सब देख सकते हैं। यहाँ पर आपसे कहा गया था वीडियो लिंक और चित्र में दिखाई गई कविता की पंक्तियों को देखें और स्वयं भी समान तुक वाले शब्दों की सहायता से काव्य रचना यानी कविता रचने की, लिखने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर आपको कविता हमने दे दी है, कविता का वीडियो दे दिया है, आपने देख लिया किस प्रकार कविता लिखी जाती है, कैसे राइमिंग वर्ड्स यानी समान तुक वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब आपको भी समान तुक वाले शब्दों की सहायता से कोई भी कविता लिखनी है, तो ये कविता क्योंकि आपको लिखनी है तो आपको ही लिखना है। यहाँ पर हम आपको उदाहरण एक और बता सकते हैं, आप बादल पे लिख सकते हो,
काले बादल काले 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 बादल आना संग पानी अपने लाना, आसमान में उमड़ घुमड़ कर जी भर कर तुम इतराना, नदी तालाब समंदर सारे तुम लबालब फिर भर जाना, काले काले बादल आना। बादल पे लिखिए, आप फूल पे लिख सकते हो, पक्षी पे लिख सकते हो, नदी पे लिख सकते हो, किताब पे लिख सकते हो, पापा पे, मम्मी पे, आपको जिस विषय पर लिखनी हो। तो आपको कभी भी कविता लिखने के लिए कहा जाता है तो समानतुक वाले शब्द सिखाने का मकसद तात्पर्य ही है कि आप किसी भी विषय पर जब कविता लिखे तो समानतुक वाले शब्दों की एक सूची बना ले पहले। जैसे आपको माँ के लिए लिखना है तो आप लिखोगे मेरी प्यारी प्यारी माँ, मेरी प्यारी प्यारी माँ, है ना। फिर उसके बारे में रखती ध्यान मेरा हरदम, जब भी मैं रोता तो आकर मुझको करती चुप हरदम हरदम, और देखकर मेरे आंख में आंसू ना आता कभी चैन एक पल, क्योंकि वो है मैं हूँ फिर भी बहुत चंचल। तो आपको शब्दों को ऐसे लिखना है कि आपकी वो कविता पूरी हो। आप किसी भी विषय पर अपनी कविता लिख सकते हो तो आप कविता बनाने की कोशिश कीजिए राइमिंग वर्ड्स की सहायता से, दो लाइन चार लाइन कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर हमने दो पर चर्चा की, जैसे बादल वाली की, बादल की कविता हमने लिखी, काले काले बादल आना, काले काले बादल आना संग पानी अपने लाना, उमड़ घुमड़ कर आसमान में जी भर कर तुम इतराना, नदी तालाब समंदर सारे लबालब तुम भर जाना, काले काले बादल आना। इसी प्रकार से आप किसी और विषय पर भी कविता रचने का प्रयास कर सकते हो, गलत सही लेकिन हमें कोशिश करनी है, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ कि आप प्रयास कर रहे हैं, हम आपसे फिर मिलेंगे अगले आगे के असाइनमेंट्स और वीडियो मॉड्यूल्स के अंतर्गत आपसे मिलते रहेंगे। आप स्टडी करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, तब तक के लिए स्टे।